हरिओम। कर्ज मनुष्य के जीवन में कर्ज एक ऋण एक अभिशाप की तरह है। मनुष्य रातों दिन एक करता है, कभी अपनी गृहस्थ में वो इतना फंस जाता है कि बाहर से उसे लोन लेना पड़ता है और वो सने सने घुन की तरह वो बढ़ता ही चला जाता है। एक तरफ कमाता है तो वो घर का खर्च करे या फिर वो ऋण से मुक्ति ले। इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सरल उपाय, छोटा सा बहुत उपचार है, किंतु स्मरण करा दूं, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। प्रतिदिन आपको नित्य कुछ न कुछ मिलते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए, और साथ ही साथ शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे लोगों को भी, अपने प्रिय लोगों को आप लाभ पहुँचा पाते हैं इसके माध्यम से। कोई प्रश्न हो तो कॉमेंट करें, लाइक करें। सबसे पहला उपाय, मैं आज दो उपाय बताने वाला हूँ, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में मैं ये बताऊँ आपको, सोमवार का दिन हो तो उत्तम, या किसी भी दिन, या विशेषकर सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं और महादेव जी के ऊपर में जो जल धार लगे रहते हैं ना, एक पीले रंग के वस्त्र में थोड़ी सी चने की दाल, एक दो गांठ हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़, इसे लेकर बांध ले, पोटली बना ले और इस पोटली को महादेव के उस जलधार पर इसे अर्पित कर दें। सने सने जल गिरता रहेगा महादेव जी के ऊपर पर, मस्तक पर अभिषेक के रूप में। उसी प्रकार से आपकी कर्ज मुक्ति भी धीरे 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 होता रहेगा, वो ठीक होगा। विश्वास माने करके देखे, बहुत सरल उपचार है, प्रमाणिक है, बरसों इसे देखा है कई बार। ये पार्ट वन है। पार्ट टू मेरे दूसरे वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वो भी एक दूसरा सरल उपचार है। और इतना करके देखें, ऋण मुक्ति से निश्चित आपको ऋण मुक्ति होगी और आप इससे निवृत्त होंगे। बाकी मेरी शुभकामना, शेयर कर लें और ये करें। हरिओम, ओम शांति।